हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकी और आज मैं आपको कुंदरू रेसिपी बताऊंगी। इसको कहीं कहीं पे परमल भी बोलते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है, सुखा लिया है और अब मैं इसको काट करूंगी। देखिए, अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। इसको दो पार्ट में ऐसे ऐसे बीच में से, ये वाली पक्की हुई है इसको अलग हटा देंगे। देखिए, ऐसे बीच में से ऐसे अलग अलग करके ऐसे हरी वाली हम लोगों को काटना है। अब मैं सभी को इस तरीके से काट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे काट लिए हैं, कुछ गोल कुछ ऐसे, और रेड वाले जो निकलते हैं अंदर से वाले नहीं कट करना है। और ये देखिए, ये मैंने रेड वाले बचा के रख लिए हैं, इनको बच्चे खाते भी हैं। देखिए कितना अच्छा पक गया है, बिल्कुल पक गया है, ये खाने में खट्टा मीठा लगता है। अब मैं इनको फेंक दूँगी, रेड वाले नहीं काटने हैं, वो टेस्ट ख़राब करते हैं सब्ज़ी का। और हमारे इधर इसको कुंदरू बोलते हैं, कंदूरी कुंदरू। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम कुंदरू बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले गैस से मैं कढ़ाई रखती, मैंने कढ़ाई गर्म होने पे इसमें रिफाइंड डालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कुंदरू को रिफाइंड में फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल डाल दिया है। देखिए, अब हमारा रिफाइंड गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये कुंदरू डाल देंगे। इनको हमें फ्राई करना है आधा पकने तक। इसमें हम लोग थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा नमक मिक्स कर देंगे और इसको पकने तक चलाते रहेंगे। देखिए, मंदी आंच में इनको भूनते रहना है जब तक ये पके ना। ये देखिए, फ्राई हो गई है अच्छे से। ये देखिए, गली गई है। देखिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तरीके से पूरी निकाल लेती हूँ। देखिए, मैंने सारी निकाल ली हैं। ये देखिए, अब हम कढ़ाई में इतना रिफाइंड ऑयल है, एक चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कुंदरू में भी है। ये देखिए, बस मैंने डाल दिया है एक चम्मच। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गरम होने के बाद अब इसमें हम लोग जीरा डाल दिया है मैंने, जीरा चटकने लगा है। जीरा भुनता है तब तक मैं आपको और सामान बताती हूँ क्या क्या लगेगा इसमें। देखिए,
मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं दो, और चार से पांच हरी मिर्च ली हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। देखिए जीरा हमारा हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और हरी मिर्च भी डाल देंगे, इसको चलाएंगे। प्याज को भूनने के बाद गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अच्छे से भूनेंगे इसको। ये देखिए प्याज मेरी भुन गई है अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, इनको भी मुझे पकने तक अच्छे से चलाना है। मैं इसी में लाल मिर्च पाउडर, देखिए एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच फुल भर के, और हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी पाउडर हमने पहले भी यूज़ किया था, इसलिए अब मैं थोड़ा सा डालूंगी। इसको पकाएंगे और अच्छे से चलाएंगे, साथ साथ में मसाले भी भुन जाएंगे और टमाटर भी हो जाएगा। ये देखिए टमाटर मेरे अच्छे से मैश हो गए हैं। ये देखिए सारे पक गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें कुंदरू डालती हूँ जो हमने फ्राई करके रख रखे थे। ये इसको मिक्स करना है अच्छे से। कितनी अच्छी दिख रही है हमारी सब्जी। आप इस तरीके से कुंदरू बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हमको इसमें नमक ऐड कर देना है। पहले हमने थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे बस। जब ये बन जाएगा तो थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर इसको ढककर हम पकाएंगे। इसी थाली से मैं ढक दूंगी ताकि इसका ऑयल भी इसी में गिर जाए। देखिए 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। ये देखिए कुंदरू को 5 मिनट हो गया है, हम इसको देखते हैं। देखिए कुंदरू हमारा बन गया है अच्छे से, पक भी गया है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपके यहाँ इसको कैसे बनाते हैं और क्या बोलते हैं। अब हम इसमें हल्का सा गरम मसाला और ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे। बस हमारा कुंदरू खाने के लिए, शर्व करने के लिए तैयार है। देखिए देखिए गर्मा गर्म कितना अच्छा दिख रहा है।
अब आप इसको रोटी पूड़ी या चावल के, दाल चावल के साथ में साइड में खा सकते हैं। थैंक यू।